नमो गुरु परम ब्रह्म कृष्ण कैवल्य कारण भक्त बंधु जगत पिता तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तुम्हें जगन्नाथ, तुम्हें परम ब्रह्म। ये महान कार्यक्रम को मु आपण मानकु स्वागत करुछि। आमर श्रीमद ओडिया भागवत कहिले मोर भकत मोर मित्र से करे जगत पवित्र, मोर भकत जहि बसे सकल तीर्थ तहि मिसे। आपण देखन्तु केड़े सुंदर कथा। भगवान कोटि ब्रह्मांडर नायक जगन्नाथ, जो जगन्नाथ मंदिर रे कल्पवट मूल रे ओडियार जीवन वेद ये महान ग्रंथ आत्मप्रकाश करिथिले। ये ग्रंथ को जीवन्यास देते जगन्नाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ आदेश रे, जगन्नाथ कृपा रे, मार प्रार्थन रे, मार अनुरोध रे। आज से शास्त्रंगर कथा देखंतु, भगवान निजे कहते उद्धव को कहते मोर भक्त मोर मित्र से करे जगत पवित्र। आपण देखते आ गोटे कथा मुझे कह, भागवत कहिले उत्तम संगे संग जार, से जाने उत्तम व्यवहार। आज भी भागवत प्रति बाणी समस्त घरे घरे पहुँचा दरकार। आमर जुवपीढ़ी ये सब वार्ता को श्रवण करवा उचित, हूँ तो किए ग्रहण करते न करते कथा कही पार नहीं, क्षमा मागुची, मुझे क्या बाध्यवाद कथा कहूनी, कि आम संस्कृति में केमी अच्छा उत्तम संगे संग जार, से जाने उत्तम व्यवहार, हीन सांगे हीन गति हसी कहती जदुपति। भागवत केमी आम ओडिया को तैयारी करने के सुंदर कथा कही, तेणु प्रकृत सत जेपक्षी भागवत कहले जेपक्षी उड़े जिते दूर से जाने तो हीन व्यवहार सत, जी जी बाट जा सी तार परिणाम तार परिसीमाटा से बयान करें। सेमती जी उत्तम संगे संगे जा जी उत्तम व्यक्ति सागर मिसब से उत्तम फलप्राप्ति हे, उत्तम शिक्षा दीक्षार तरीका मध्यम पाइब, हीन सांगे हीन गति हसी कहती जदुपति। गोटे संग दोष अच्छी से मानव शिशु दिव्य शिशु सी देवता हो सी पुणी राक्षस हो जाए, तेणु आज गोटे निशा समस्त की कबलित करेर प्रभाव, तेणु हीन संगे हीन गति हसी कहती जदुपति। देखते 600 वर्ष तेज लिखि शास्त्र में आज कमी अक्षर अक्षर से कथा हो, तेणु कहले उद्धव मोर भकत मोर मित्र से करे जगत पवित्र, मोर भक्त जही बसे सकल तीर्थ तही मिसे। तेणु भगवान भक्त को केते ऊपर को नहीं चंदे, केते बड़ कर निजी छोट कर दे चंदे, मो दास दास मु अटई शुण उद्धव बनदे, मो दासर दास होची मु। तेणु भगवान करे जो अमीय गुण कीर्तन आम करूचे। आज गोटे छोटिया छुआ, गोटे छुआटे माँ मध्य मार ममता को भूल पकईदी आश्रम अनति दूर जा सी केत बड़ प्रज्ञान प्रज्ञानंद विज्ञानंद केते प्रज्ञान अधिकारी होती, भगवत कृपार अधिकारी होती, से गुण को आम श्रवण करवा। ये वस्तुवादी दुनिया रे भाववाद कालक्रमे क्रमश संकोचित होती, वस्तुवाद प्रसारित किंतु प्रकृत सांगरे केही जीवे नाही, भाई बोल बंधु बोल संपदर साथी जीव जीवा बेले एका गोविंद सारथी, ना घर जीव ना घोड़ा जीव ना गाड़ी जीव ना टंका जीव ना फ्लाट जीव ना बैंक बैलेंस जीव किछि जीव नाही। यही जगन्नाथ कथा आम कहे से ही सांगरे जीव, जदि किसी समय आम शुणीवा से ही सांगरे जीव, से शुणिला बेले भगवान कथा मनरे आसीथिबो से ही सांगरे जीव। तेणु आजर वस्तुवादी दुनिया रे आम भाववाद को आध्यात्मवाद को मानववाद को प्रचार करने को बाध्य होबा, किए ग्रहण करू कि न करू, किए श्रवण करू कि न करू। ठाकुर अभिराम परमहंस गोटे सुंदर कथा कहले भक्ति आने दया धर्म सत्य शांति क्षमा गुण, भक्ति आने दया धर्म सत्य शांति क्षमा गुण, भक्तर भक्ति प्राण
भक्तर भक्ति प्राण भक्ति डोरे पोरा बंधन हुवंती भक्ति डोरे पोरा बंधन हुवंती विश्व राजा नारायण भक्ति टी अमूल्य रत्न बाल्य कालु कर अर्जन भक्ति टी अमूल्य रत्न विश्वास भक्ति ज्ञान ये तीन तत्व अभिन विश्वास भक्ति ज्ञान ये तीन तत्व अभिन कर याकु नेत्रांजन कर आकु नेत्रांजन विश्वास भक्ति रे दर्शन देवेटी राई मथा मणि कृष्ण भक्ति टी अमूल्य रत्न तेणु ये भाववाद ये आध्यात्मवाद आम ग्रहण करवा क्रमश संकुचित होउचि ए महापुरुष माने आसी थांती अवतार माने आसी थांती आम मानकु तयारी करिवा पई मने पकेवा पई प्रेरणा दवा पई तेणु केड़े सुंदर सूक्त ठाकुर अभिराम परमहंसकर तेणु विश्वास भक्ति ज्ञान ये तीन तत्व अभिन्न ये अभिन्न ये समस्त दरकार तेणु आज आम से जो भक्त कथा श्रवण करवा नमस्ते चौद भुवन नमस्ते श्री पद्मलोचन आम कथा आरंभ नमस्ते चौद भुवन प्रकृति की पूजा करा जाए स्वर्ग अमर्त्य पाताल समस्त तलातल रसातल तेणु चौद भुवन को प्रणाम करागले भगवान पद्मलोचन को प्रणाम कले बौद्ध कल कि दशविध बांछा करिवे मोर सिध दुर्लभ साधु चरित दुर्लभ हरि कथामृत मनीष पाई आज्ञा तीनोटी जिनस दुर्लभ ही था गोटे दुर्लभ होती मानव शरीर ये सहजे मिल न था ये शरीर पाइला जी हजेदेला बाट ताले ता भीतर ता हाथ में आज्ञा कही हम ना यही मनुष्य देवता हो पारे यही मनुष्य पशु हो पारे यही मनुष्य राक्षस हो पारे जदि आम देवतार काम करमर परजन्म आम कौन रिजल्ट मिले आम जापर कि आम जब कुकर्म करमर गति कड़े कि हे तेणु तीन टा जो दुर्लभ मुझे गोटे हूँ दुर्लभ मानव शरीर दुर्लभ साधु चरित साधु चरित्र आम पढ़ा शुणा बेकानंद विषय जब आम पढ़ा निगमानंद विषय जब आम पढ़ा रामकृष्ण परमहंस विषय जब पढ़ा आमर अभिराम परमहंस विषय जब पढ़ा ये जो तत्व भितर को आम जब जीवा ठाकुर अनुकूल तत्व आम पढ़ा तेनालीर जीवनादर्श तर जो प्रेरणा उत्तरदायित्व मानी तेणु ये हूँ दुर्लभ आ दुर्लभ हरि कथामृत हरि कथा नु अमृत अमृत भगवान को गुण कीर्तन हो अमृत नाम होती श्रवण करतु यज्ञ होती दान करतु गाँव में किसी भगवत कथा होती कि समय दिंतु तेणु ये सब दुर्लभ साधु चरित्र दुर्लभ हरि कथामृत दुर्लभ हरि कथा श्रवण दुर्लभ एवं ये नर शरीर दुर्लभ एवं भगवान कथा कीर्तन कले जमुदंडर भय रही से आम ए समय दौचे आम कहे भगवान कथा कृपा आप श्रवण करुँच भगवान कथा कृपा गोटे जमदंड भय आम अच्छी गोटे विचार समय आमर अच्छे जगतर मुख्य स्थान गोपपुर वृंदावन वृंदावन पुत्रकन्या विहीन स्वामी नहांती विधवा ब्राह्मणी जड़े से आश्रम मठ मानक बुले बुलिकी ना केतुका अल्प बयस विधवा हो जाती तेणु प्राण रखापी पर प्रतिपोषण बाप माँ ना से भी स्वर्गवासी हो जाती तेणु निराश्रया से मठ मंदिर बुले बुले देखु आमर सब कुटा जाए ढिंकी तो चाउल कुटा जाए तो मठ मानक सब गोले पथर एवं गोटे पिटणी थाए समा कहती से धान चाउल सब कुटा जाए गहम कुटा जाए मांडिया गहम चूरा जाए चकी घोरणा तेणु एमती माँ मैंने किसी असहाय माँ मैंने काम करती से जहाँ प्राप्ति है पर पोषण करते तेणु ये केतुका सेमती मठ मानक पशिकी जीवन निर्वाह करती कम करती वैष्णव मठ मानक कूटे तंडू निरंतर गहम मांडिया मसूर चूना से घोर इपार तांकर काम मठ मंदिर भितर एमती किंतु गोटे कथा से तो अल्प बयस विधवा हो जा पूरा जौवन रही पावचरे से पदार्पण करवा अव्यवहित परे परे से
विधवा हो जाकर से तनुसौष्ठव अंगलतिका सेमती प्राय थाए जहाँ साधुसंत मानक मनरे गोटे बेपत सृष्टि करे तेणु सबु साधु सेमती नुहंती किछि साधु सेमती अच्छा जड़े साधु ताको अनेक द्रव्य दिखती खावा पीवाक दिखती भल किंतु केतुका ताको बेले बेले भावे ये साधु कहीं प्रायत तो सब साधु अच्छा ये कहीं मो प्रति एत दयाशील होती हम महात्मा तो हृदयवान लोक दौथे कि ना साधु महात्मा टी नजर अन्य प्रकार प्रति थिला दिने से मुह खोल कहले कहले केतुका गोटे कथा कह ना कौन आज्ञा ना मु तुमको जदि ग्रहण करे ना आज्ञा कि कथा आप कौन मुझे विधवा ब्राह्मणी आम ब्राह्मण कूल द्वितीय बहुत परंपरा ना आपण जो संत महात्मा साधु बैरागी घर द्वार छाड़ी आपण को ये कामना जो थी परिवार करते ना ना तू जिते जहाँ कहले बारंबार बारंबार जदि गोटे नारी पाखे एक कह जाए तेणु से निश्चित भाव किसी व्यतिक्रम सृष्टि है कालक्रमे से साधु महात्मा केतुकांकर समय आसी संपर्क आसी शारीरिक संपर्क रक्षा भी होती केतुका कालक्रमे गर्भवती होती कि गर्भवती जो जाती ताको मुंडरे चिंता पशिची कौन करी ये मुह क्या देखेबी कारण समाज भय आ गया समाज भय लोकनिंदा मरणर करू मरीज बर लोक तरीज तार शुणा कि लोकनिंदाटा ताठार जो ओजन थाए गु थाए लोकनिंदा मरणर गु तेणु सीए कि दिन पर सतान प्रसव होती पाटी को जन्म कर जन्म करदेला ना मठ को जी ना गाँ को जी ना कुआडे जी से कथाटा मनरे घारी पाटी को धरी देखु माँ ममता माँ हूँ ममतार मूर्ति माँ हूँ करुणार अवतार किंतु माँ देखु केष्ठुर हो पाए तार से मातृत्व तो रही माँ ममता रही पुत्र को स्नेह कर मनरे कामना जगरूक हो समाज भय से मार ममता को भूली निष्ठुर पत्थर पाषाणी हो राकेशी से पिलाटी को कौन करे कौन करे चिंता करुंस भाविले जे पिलाटी को जंगल पकई गले बाघबालू खाइले माँ मु राक्षसी गाँ को लेकिन गले कलंकिनी ये निकटने प्रेमानंद महाराजा आश्रम अच्छे मुझे आश्रम कूल जी दाड़े पकईदेक आसबी हुए तो महाराजा आखि जब पड़ज पाटा बचीज यह भाविकी ए मंत बोली रात्र काले बाळत नय धरी कोळे गृहरु चलिला बहन जाई मिलिला वृंदावन वैष्णव वृंद मध्य श्रेष्ठ जे प्रेमानंद मठ वैष्णव मान भितर श्रेष्ठ जो प्रेमानंद आचार्यजी महाराज आठ मध्य वृंदावन एक प्रतिभाशाली प्रतिपत्तिशाली एवं आध्यात्मवादी मानववादी आश्रम नाम रे ख्याति अर्जन करथिले सेही पुओ को धरी प्रेमानंद मठ रे जाई पहुंची जंती सेही मठर अल्प दूर रे पेजनला पाखरे पकई देकरी सुआटी सुवाई देकरी जमुना नदी के डेई पड़ी जंती कहले ये कलंक बोला मुह को मु कहा को देखेबी नाही राति पाइले कहा को मुह देखेबी देखंतु बा ममतार मूर्ति पिलाटी केते बारंबार अनै चंती जाउ चंती अनै चंती जाउ चंती अनै चंती मां जते हेले से मां एवं छुआटी की सुहाई दे जमुना नदी की दे पड़ते आत्मविसर्जन करक गोटी की सुहाई बोला नमो भाव ग्राही अशेष ब्रह्मांड करत आते बड़े प्राण विसर्जन करवाक जा केते कथा मन पड़े केते कथा जहाँ को विरक्ति आसी बारंबार मन पड़ो घर बारंबार मन पड़ो अतीत बारंबार मन पड़ो कारण गोटे जीवन पूर्णच्छेद होना तेणु माँ सिना प्राण विसर्जन करे कि माँ कौन ममता कुआडे भूली जी तेणु जगन्नाथ को दायित्व दे देले प्रभु मु आत्महत्या महापाप किंतु ये पाप मत लगे प्रभु कारण मु निरुपाय थी मु कौन करी तेणु से छुआटी को सुवाई दे प्रेमानंद आश्रम अरती दूर से जमुना नदी की डेई पड़ती माँ केतुका प्राण विसर्जन देज प्रसंग को यही रखा गोटे निराशय शिशुटे शोची आश्रम अनति दूर से तार भविष्य कौन हो आगामी अध्याय आम श्रवण करवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जदि आपण जीवन में व्यक्तिगत
पारिवारिक समस्या, कर्म क्षेत्र निजुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। ऑडियम क्लिनिक सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग एठारे शिशु वयस्क मानकर श्रवण यंत्र, वाटरप्रूफ श्रवण यंत्र, स्पीच थेरापी और श्रवण परीक्षा उपलब्ध। मोबाइल नंबर 8050604137 9337868504। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।